राज्यसभा के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में घमासान मच गया है। रविवार को जारी हुई 10 उम्मीदवारों की लिस्ट से कुछ नेता नाराज हैं और खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। दावेदारी से उम्मीदवारी तक ना पहुंच सके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। जारी लिस्ट में इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर असंतोष जाहिर करते हुए नगमा ने लिखा कि इमरान भाई के आगे हमारी 18 सालों की तपस्या भी कम पड़ गई। उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं और कवि भी हैं। वहीं राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने ट्विटर पर राहुल और प्रियंका गांधी को टैग कर सवाल किया। उन्होंने लिखा कि पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान में हुआ, इस चिंतन की एक उपलब्धि देखिए, इस पे एक भी स्थानीय नेता नहीं है, बिना लोकल हुए आप कैसे वोकल हो सकते हैं। राज्यसभा के लिए कांग्रेस नेताओं के नामों की जो सूची जारी की गई है उसमें छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रजनीत रंजन, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी, राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी का नाम है, जबकि तमिलनाडु से पी चिदम्बरम के नाम का ऐलान हुआ है। बता दें 10 जून को 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव है और नामांकन भरने की अंतिम तारीख 31 मई है।